recently got a chance to explore the craft of Nirona Village in Kutch. It was a very different experience from the other shoots I usually do. The 3 days which I spent over there living with those humble people of the village were awesome. It was a big challenge to shoot there as their room was pretty small. I couldn't believe that the famous bell making craft, which is globally popular, is done in a small tiny room. Well, capturing each and every detail of the craft within the room was pretty challenging as there were many space boundaries, but that was the main challenge for me, to shoot as much clear and perfect in that room. I guess that is the only challenge for a photographer. उम्र 58 साल की है, 58 की। मेरा नाम है हसन, मैं कच्छ नीरोना में रहता हूँ। मेरा काम है कॉपर बेल का घंटी बना दे। पंद्रह साल का था, उसी से मैंने शुरू किया है। वो तो 47 हो गया साल। पहले पहले मैं 15 साल का था, उसी टाइम में बनाया था। इसमें बहुत साइट का हम बनाते हैं, एक से करे हम 13 नंबर तक बनाते हैं, बड़े बड़े 13 नंबर तक बनाते हैं। इसमें दूसरा वो छोटी छोटी घंटिया का वो आइटम का वो जो झूमर ऐसा ही बनाते हैं, सारे गम सेट बनाते हैं, सबका अलग अलग आवाज होता है। बहुत लोग बाहर से आते हैं, हम बाहर बेचते हैं अमेरिकन का, मेरा तो होलसेल का उधर का है। बहुत लोग मेरा ये उधर बेचते हैं बाहर, हम भी जिस जहाँ जहाँ जगह एजुकेशन में बुलाते हैं वहाँ भी हम बेचते हैं। मेरे घर पे फॉरन लोग बहुत कस्टमर आता है। नहीं, हमारे तो क्या है, पहला हमारे तो बैल बना के सीखा, इसमें तो नया नया डिजाइन बनाया, लेकिन हमारा जो काम हमारे को मज़ा आती है जो बैल बनाने में, इसी में मज़ा आती है। तो दूसरा इसी में नया नया वो डिजाइन बनाई है, झूमर जैसा नया नया आइटम बनाया है, लेकिन मेरे को तो वधारे तो इससे बेल में ख्याल होता है। अगर कोई आदमी मेरे को बोलता है कि ऐसा ही बना देना, तो वो तो बना सकते हैं देख के। हमेर तो ये ज़्यादा चलता है, इसलिए मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है जो कोई नया बनाइए। बहुत से ऑर्डर मिलता है, तो उसी में जब खास तो मेरा वही ख्याल है वधारे। तो मेरा क्या, पहले तो हम इधर बेचते थे गुज के अंदर में, वो दुकान वाला खरीदते थे। अभी जब मेरा जो बाहर का हो गया कि जो अमेरिकन बेचते हैं, तो उसी बीच में मेरा एक एजेंट रखा है, वो मिर्जापुर गांव है उसी में, तो वो बाहर बेचते हैं। तो मेरा ज़्यादा में ज़्यादा वो ही चलता है, ये पूरे साल में चलता ही है, कभी ऐसा नहीं है जो आज नहीं है काम। बाकी दूसरा जो है ये पूरा ठंडी के सीज़न में वो चलता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, वो 4 महीना तो ज़्यादा काम चलता है। इसके बाद में तो वो काम जो चलता है वो ऑर्डर वाला चलता है, तो उसी को देखना नहीं पड़ता है मेरे को। सुबह में उठ के वो काम में लग जाते हैं, शाम तक वही काम करते हैं एक ही। पहला तो क्या, वो जो लोहे का जो पत्रा आता है उसी से कतर से उसका माप लेके, उसका जो फॉर्मा होता है उसी से माप लेते हैं, फिर उसको कतर से काटते हैं, फिर एक पत्थर लेके उस पर हथौड़ी से ठोकते हैं, इसके बाद में वो कतर से बीर भी काटते हैं।
इसके बाद में वो के एक जो खिला होता है उसको खोड़ के बना ऊपर हथौड़ी से बना दे, फिर इसको दो संधा मिला दे, फिर इसी का अलग से वो जो टोपी बना दे, वो तीन किस्म का उसमें अलग अलग होता है। तो फिर वो टोपी उस बना के बाद में इसका जो हुक बना दे उसका ऊपर का, वो हुक वो टोपी वाले में उसमें फंसाते हैं, इसके अंदर फंसा के बाद में उसको जॉइंट करते हैं। इसके बाद में हम भट्टी में हमेरा तो औरतों का काम होता है, वो कप्पा और मिट्टी मिला के वो बनाते हैं, फिर इसी को बाद में पीतल का पानी चढ़ा दें तब वो भट्टी में डालते हैं। उतार के बाद में वो तो खुल जाते, बाद में इसको फिर आवाज़ बना दे, इसका एक जो लकड़ी का वो अंदर लार बना दे, लार बना के उसको अंदर डाल दे, अंदर डाल के बाद में इसका फिर आवाज़ बना दे। तो आवाज़ तो कैसे बनते हैं, जो मगज के हिसाब से बनते हैं, जैसा जैसा आवाज़ चाहिए वो ऐसा बना सकते हैं। तो सबका जो आवाज़ अलग अलग होता है, सब साइड का एक ही साइड में दो चार आवाज बनाना तो बना सकते हैं। ये बहन का तो क्या बात है, इसमें तो छोटे बड़े का अलग अलग टाइम लगता है। अगर ये जो छोटे छोटे बैल है इसमें तो 8-10 पीस बन जाते हैं एक दिन में, को बड़े साइड वाला है तो वो एक ही बनता है, को इससे बीच वाला को दो बनता है, को चार बनता है, ऐसा है ना। वो सबका टाइम ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है, छोटा बड़ा है ना, 1 से 13 तक इसका नंबर है। तो उसमें बड़े में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, छोटे में थोड़ा कम टाइम लगता है, तो थोड़ा ज़्यादा पीस बनता है। वो बड़ा बड़ा तो एक ही बनता लगता है, ऐसा है, कुछ दो बनता है, कोई चार बनता है। अभी जो ये काम करते हैं इसमें मेरा घर का वो ही चलता है, ऐसा नहीं है कोई इसमें ज़्यादा कमाना वो ही नहीं है, घर का तो हमारा वो खाना पीने का ला रोटला तो निकलते ही है, पूरा दिन काम तो करना पड़ता है। और ये तो जो जितना इस पर बनाने में पहले खर्च लगता है, अभी इतना खर्च लग गया, इससे थोड़ा भी ज़्यादा करके हम बेचते हैं तो हमारे उसमें खाने पीने का खर्चा निकलना है, माल मेटेरियल का पहले खर्चा लगता है, उसको हिसाब करते ही कितना एक में बैल में लगा है, इसके बाद में मेरे कितना टाइम लगा है, इसके बाद में वो जो बेचते हैं तो 100 रुपये का है, हुआ कि 150 का हुआ कि 125 का हुआ कि 500 का हुआ कि 5000 का हुआ, सबका अलग अलग होता है। Going to new places, meeting new people, these are the moments that change your perspective. Wherever this journey takes me next is beside the point. It's not about where you go, it's about what you do and who you choose to become along the way that matters. Is everyone who is the part of this journey so far? Thank you. We are just getting started.